कल तक आप लोगों को पढ़ाया गया था 6.1 वर्ग 8 का 6.1 एक्सरसाइज स्टूडेंट का मैथ में आप लोगों को कल बताया गया था 6.1 तक, और 6.1 पूरा कंप्लीट हो गया है। आज 6.2 शुरू किया जा रहा है, ठीक है, देखेंगे। पहला सवाल कह रहा है कि P गुने क्यू इज इक्वल टू बराबर Q गुने P को लिखने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम का व्यवहार है। मतलब ये एक नंबर सवाल कह रहा है P गुने क्यू बराबर Q गुने P, ये कौन सा नियम है। तो बाबू ये देखिए, ये है क्रम विनिमय नियम। कौन सा नियम है? गुना का क्रम विनिमय नियम। यह डायरेक्ट लिख देंगे क्रम विनिमय नियम। दूसरा सवाल यही पूछ रहा है, इस दूसरा सवाल भी यही कह रहा है दो नंबर इसका, कि दो गुने टू इंटू थ्री तीन गुने चार बराबर दो गुने तीन इंटू चार लिखने में निम्नलिखित में किस नियम का व्यवहार किया। ऑप्शन दिया हुआ है और पूछ रहा है ये कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका हो जाएगा बाबू साहचर्य नियम। साहचर्य नियम। तीसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है। तीसरा सवाल कह रहा है क्या, ए इंटू बी प्लस सी बराबर ए बी प्लस बी सी, इसमें कौन सा नियम लगा है। तो बाबू देखिए, ये देखिए ए में बी से गुना हुआ है यहाँ पे, अब बी में सी से, तो हो गया ये वितरण, हो गया मैंने बट गया है, नहीं कौन नियम हो जाएगा, ये वितरण नियम। कौन नियम? वितरण नियम। चौथा सवाल देखिए क्या कह रहा है, ए गुने बी गुने सी बराबर ए गुने बी और गुना सी, ये कौन सा नियम है बाबू। ये देखिए, ये ए गुने यानी कि केवल क्रम, यानी कि कौन केवल क्या बदल गया, क्रम बदल गया, यानी कि वित्त क्या बदल गया, ए गुने बी, गुणा का साहचर्य नियम। क्या है ये? साहचर्य नियम। आ रहा है समझ में? पांचवा देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि माइनस छ मझला कोष्टक दिया है, फिर छोटा कोष्टक दिया है, प्लस तीन गुने माइनस चार, मझला कोष्टक बंद, माइनस छ गुने प्लस तीन मझला कोष्टक बंद, फिर मझला कोष्टक लिया है, माइनस चार मझला कोष्टक बंद, किस नियम के अंतर्गत है, ये कौन सा नियम है। तो बाबू ये है साहचर्य नियम। ये है साहचर्य नियम। आ रहा है समझ में? अगला सवाल चार नंबर देखिए क्या कह रहा है इसका, पांचवा छठा नियम। छठा सवाल देखिए क्या कह रहा है, छठा कह रहा है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर कोमा यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक आगे फिर बताया जा रहा है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। आगे देखेंगे। अगला सवाल कह रहा है जोड़ने के लिए, दो नंबर सवाल देखेंगे इसका, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर कोमा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कोमा एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कोमा टू एल एम प्लस टू एल एल,
अब इसको हम जोड़ रहे हैं, देखिए कैसे, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस टू एल एम प्लस टू एन एल, ठीक है। देखिए आगे एक यहाँ पे एक यहाँ पे दो गो एल हो गया, एक यहाँ पे एक यहाँ पे है तो कितना हो गया दो गो एम स्क्वायर, एक यहाँ पे तो कितना हो गया दो गो एन स्क्वायर, हाँ प्लस टू एल एम प्लस टू एन एल, ठीक है बराबर। इस सब में क्या कॉमन मिल रहा है, दो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एन एल, ठीक है आंसर हो गया ये अपना। एक चीज छूटा हुआ है बाबू, इसमें टू एम एन एक जोड़ लीजिए, यहाँ भी टू एम एन आ गया तो यहाँ भी टू एम एन आ जाएगा और यहाँ पे भी आ जाएगा प्लस एम एन, ठीक है। तीसरा सवाल देखिए, टू पी स्क्वायर क्यू माइनस थ्री पी क्यू प्लस फोर फाइव प्लस सेवन पी क्यू माइनस थ्री क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर, ठीक है। और एक बार इसको भी देखिए जोड़ रहे हैं, इसको भी जोड़ना है, ठीक है। देखिए कैसे, थ्री पी टू पी स्क्वायर क्यू माइनस थ्री पी क्यू प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सेवन पी क्यूब माइनस थ्री क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर, ठीक है। आगे देखेंगे, यहाँ पर टू पी स्क्वायर है और इधर देखिए चेक कीजिए है कि नहीं कहीं, बिल्कुल है देखिए यहाँ पे, लेकिन यहाँ भी है और यहाँ भी, दोनों की है तो घटाएंगे, थ्री में से टू जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस थ्री है तो ये प्लस थ्री है तो माइनस के चिन्ह लगेंगे तो माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ये देखिए बाबू, ये माइनस में क्या है प्लस में, तो जो घटाएंगे सेवन में से थ्री जाएगा तो कितना बचेगा फोर फोर पी क्यू, अब ये जोड़ेंगे तो कितना होगा पाँच चार नौ, ये हो गया हम लोगों का आंसर। तीसरा चौथा सवाल कह रहा है, चौथा का एक हमारा घटाना है, क्या है चौथा सवाल घटाओ है तो दो एक्स वाई माइनस पाँच जेड प्लस तीन वाई स्क्वायर में से एक्स वाई प्लस जेड माइनस तीन को घटाइए, देखिए कैसे घटाया जा रहा है इसको। चलिए दो दो एक्स वाई माइनस पाँच जेड प्लस तीन वाई स्क्वायर का करना हम लोग को घटाना है, तो घटाओ किसको घटाना है, इसको घटाना है एक्स वाई प्लस जेड माइनस तीन, आ रहा है समझ में बाबू, देखेंगे आगे देखेंगे कैसे, देखिए घटा रहे हैं दो एक्स वाई माइनस पाँच जेड प्लस तीन वाई स्क्वायर, ये घटाओ है तो बाबू माइनस से इस पर गुना करेंगे, माइनस ये बाबू गुना किए माइनस से एक्स वाई में तो हो गया हम लोग का माइनस एक्स वाई, माइनस से प्लस में गुना करेंगे तो प्लस माइनस का जेड, माइनस में मिल के प्लस तीन बराबर दो गो एक्स वाई, यहाँ पे एगो एक्स वाई यहाँ पे घटेगा तो कई एक्स वाई होगा एगो एक्स वाई, पाँच को जेड माइनस में ये भी माइनस है, पाँच को एगो छः जेड तीन वाई स्क्वायर प्लस में भाई कोई नहीं दिख रहा है तीन वाई स्क्वायर, अब प्लस का तीन, ये हो गया हम लोग का आंसर, आ रहा है समझ में। यहाँ तक मेरा ख्याल है सभी को समझ में आ रहा होगा, अब आप लोग इसका स्क्रीन शॉट लेंगे तब तक आगे फिर से अगला सवाल देखेंगे। आप लोगों ने अभी तक देखा चार चार सवाल नंबर एक्सरसाइज 6.2 का सवाल नंबर चार के एक तक चार का दो नंबर देखिए, कह रहा है चार का दो नंबर तीन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर में से चार एक्स स्क्वायर माइनस दो वाई स्क्वायर क्या करना है, घटाना है, क्या करना है बाबू हम लोग को घटाना है, तो देखिए कैसे घटा रहे हैं, तीन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर घटाओ, किसको घटाना है इसको, तो फोर एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई स्क्वायर, ठीक है। आप देखिए कैसे घटा रहे हैं उसके तो हम समझ में आएगा, तीन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर माइनस, ये चार से माइनस में गुना किए तो माइनस चार एक्स स्क्वायर, माइनस से माइनस में गुना किए तो प्लस दो वाई स्क्वायर। अब देखिए
ये देखिए बाबू, ये माइनस में ये क्या है प्लस में, तो घटेगा तब माइनस का एक्स स्क्वायर। ये देखिए वो प्लस में, ये भी प्लस में, तो दो गो होता है, होता है तीन गो होता है, तो तीन वाई स्क्वायर। ठीक है, दो में से ये देखिए, अब इधर जेड है कहीं नहीं ना है, तो माइनस का जेड स्क्वायर ऐसे ले दिया, हम लोग का आंसर हो गया। आया समझ में? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तीन नंबर देखिए क्या कह रहा है, चार का तीन नंबर, चार का तीन नंबर कह रहा है 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 में से 4a माइनस 7ab प्लस 12 को घटाइए। ठीक है, देखिए कैसे घटा रहे हैं, 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 माइनस, घटाना है कि इसको घटाओ कचिन, माइनस 4a माइनस 7ab और प्लस का 12। ठीक है, आगे देखिए 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, माइनस से गुणा किए तो माइनस 4a माइनस माइनस मिलके प्लस 7ab माइनस 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 प्लस माइनस 12। आप चलिए 12 गो ए में से 4 गो ए गया, क्या गो बच्चा 12 गो ए है, 12 गो ए है, ए मिल के 12 गो है, 4 गो है, मैं 4 गो निकाल दिए तो कितना बचा 8 ए, कितना बचा 8 है, 9 गो ए भी है और यहाँ पे 7 गो ए भी है। ये वाला बहु बड़ा है, ये वाला छोटा है, ये प्लस का चिन्ह है, ये माइनस का चिन्ह है, तो घटेंगे तो क्या होगा माइनस 2 ए बी। ठीक है, प्लस 5 बी है यहाँ पे, इधर देखिए कहीं भी है कहीं नहीं है, तो प्लस का 5 बी लिख दीजिए। ठीक है, आगे देखिए माइनस 12 है, ये क्या है माइनस का 3, तो 12 3 15 ही हम लोग का आंसर हुआ। आया समझ में? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। चौथा देखिए क्या कह रहा है, चौथा इसे कह रहा है 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz में से 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx को क्या कर रहा है बाबू, को घटाइए। देखिए कैसे घटा रहे हैं, 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz घटाओ, चिंता दे 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx। ठीक है, देखिए कैसे 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz माइनस 3xy माइनस 5yz प्लस 7zx। ठीक है बाबू, चलिए आगे देखिए। अब देखिए 5xy यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, तो घटेगा 5 में से 3 गया 2xy। अब देखिए yz 2yz यहाँ पे है, यहाँ पे कितना 2yz 2yz yz यहाँ पे है, तो 5 को माइनस वाई मिलकर क्या होता है वो, ये माइनस है और ये भी क्या है माइनस है, तो माइनस वाई मिलकर क्या होता है प्लस, प्लस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह का चिन्ह लिखते हैं माइनस का, तो 5 2 7yz। अब देखिए बाबू यहाँ पे 2zx और यहाँ पे 7 प्लस में ये कच्ची में माइनस में घटेगा ना घटेगा, तो 7 में से 2 गया तो कितना बचा प्लस 5zx। आप देखिए इधर कोई xyz है नहीं है, तो जैसे का तैसे उतार दीजिए 10xyz, ही हम लोग का हो गया आंसर। जहाँ तक मेरा ख्याल है सभी को समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा कमेंट बॉक्स में देंगे, सब नहीं समझ में आ रहा है फिर से एक बार प्रयास करेंगे। ठीक है, आगे आप स्क्रीनशॉट लेंगे तब तक अगला सवाल को हम देख रहे हैं। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है, देखेंगे कह रहा है क्या चिन्ह मिलान करना है। अगला मिलान करने वाला क्वेश्चन अगला देखिए क्या कर रहा है, मिलान कर लीजिए आसानी से आप लोग कर सकते हैं, ये वाला छोड़ दिया जरा। ठीक है, कह रहा है एक्स वाई बराबर एक्स वाई, ये कौन सा देख, स्तंभ एक साइड दिया स्तंभ दो दिया, दोनों तरफ देख लीजिएगा एक बिल्कुल बन जाएगा। तीन नंबर देखिए क्या कह रहा है, तीन अगला सवाल अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, तीन का ए निम्नलिखित का चिन्ह बताना है, -4a के पावर 3
माइनस चार के पावर तीन, तो बाबू देखिए धनात्मक और ऋणात्मक कैसे पाएंगे, इसका चिन्ह कौन है, इसका जब मान ज्ञात करेंगे, इसका मान ज्ञात करेंगे तो चिन्ह बताना, ये जो माइनस है माइनस आएगा कि प्लस आएगा, तो समझ लीजिए बाबू, यदि चिन्ह के साथ, यदि माइनस चिन्ह के साथ, माइनस चिन्ह के साथ पावर में विषम संख्या हो, पावर में विषम संख्या हो, तो उसका मान आएगा, गुणनफल आएगा माइनस में, यानी कि ऋणात्मक है। यदि पावर में माइनस चिन्ह के साथ सम संख्या हो तो उसका मान आएगा धनात्मक में, उसका मान आएगा धनात्मक में। तो ये क्या आएगा बाबू, ये माइनस तीन है, यह पावर तीन है बाबू, सम संख्या के विषम है, विषम है, ये देखिए माइनस है, ये क्या है माइनस है, तो ये क्या होगा ऋणात्मक, क्या आएगा ऋणात्मक। ठीक है, आगे समझिए। उसी तरह दूसरा सवाल है, माइनस माइनस पांच के पावर 102, ये बाबू पूछ रहा है कि चिन्ह धनात्मक होगा कि ऋणात्मक, धनात्मक, क्या होगा, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, इससे आप लोग बन जाएगा। अगला सवाल देखिए, इसका बी 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 का है, कह रहा है कि स्थान खाली था तीन, ए के पावर तीन और ए के पावर पांच। बाबू देखिए, हम जानते हैं कि आधार समान होता है, जब पावर में आधार समान होता है, पावर और असमान होता है तो पावर जोड़ देते हैं, तो ए के पावर तीन प्लस पांच अर्थात ए के पावर क्या आया, आठ। ठीक है, चलिए भी बन जाएगा आप लोग से। चार नंबर पूछ रहा है कि कॉलोनी कौन पद युग्म का गुणनफल ज्ञात करना है, तो चार गुणे सात पी, चार चार लिखा है और फिर सात पी लिखा है कोमा लेके, अर्थात गुणा करेंगे तो चार गुणे सात पी, सात चौका अट्ठाईस पी, ये हम लोग का आंसर है। ऐसे ही आपका सबका ये सब बन जाएगा, बिल्कुल सब बन जाएगा। अगला सवाल पांच नंबर कह रहा है, निम्नलिखित एक पदी युग्मों के रूप में लंबाई चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक नंबर देखिए, पी कोमा क्यू अर्थात पी गुणे क्यू, क्लियर समझ में आ रहा है, बस बन जाएगा आप लोगों का, या फिर डायरेक्ट इससे भी बढ़ा सकते, इसलिए आयत का क्षेत्रफल बढ़ाओ। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई पी चौड़ाई बी चौड़ाई क्यू अर्थात पी क्यू आंसर। ठीक है, इस तरह बढ़ा लीजिएगा इसका। छः नंबर, निम्नलिखित को गुणा करना है, तो पाँच एक्स को सात से, ये भी आसान है, तो पाँच एक्स गुणे सात, सात पचे पैंतीस और एक्स ये हो गया। ठीक है, बन जाएगा प्लस भी। सात नंबर भी वही सवाल कह रहा है, निम्नलिखित को गुणा करना है, एक नंबर एक्स वाई वाई जेड कोमा जेड एक्स, देखिए कैसे गुणा है, एक्स गुणे एक्स वाई गुने वाई जेड गुने जेड एक्स, बाबू यहाँ भी कुछ नहीं तो गुना छुपा हुआ है, एगो जेड एगो जेड, चलिए एक्स का पहला काम कर, एक कैगो एक्स है, दो गो एक्स है, तो एक्स स्क्वायर, वाई एगो दो गो, तो वाई स्क्वायर जेड दो गो जेड स्क्वायर आंसर। ऐसे ही आप बना दीजिएगा, नहीं आया तो कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे। आठ नंबर देखिए, निम्नलिखित को गुणा करना ही भी, चार एक्स वाई इंटू पाँच एक्स वाई इंटू जीरो, बाबू किसी भी संख्या में किसी भी अंग में जीरो से गुणा करते हैं तो उसका गुणनफल जीरो आता है। ठीक है, बना लीजिएगा इसको आप। इसका बी नंबर देख लीजिए, एक के बाद बी नंबर आठ का, चार बटा नौ ए के पावर पाँच बी के पावर दो, गुणा करना है दस ए के पावर तीन बी आगुने छ, बहुत आसान है, एक गुना कर दू क्या छो, इसको कोष्ठक से निकाल दे रहे, चार बटा नौ ए के पावर पाँच बी के पावर दो गुना दस ए के पावर तीन बी आ गुने छो, चलिए गुना कटा दे, तीन तेई के नौ दो के छो, दस चौके चालीस, चालीस दुना के अस्सी, ए के पावर पाँच या तीन ए के पावर आठ बी के पावर दो आ यहाँ पर एगो दू गो एगो बी के पावर तीन। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, तब तक आगे देखेंगे नौ नंबर हम लोग।
चलिए आगे वाला सवाल देखेंगे, 9 नंबर। ऐसे आयतकार बक्सों का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया है। तो बाबू आयत क्या पूछ रहा है, आयतन, आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। 9 नंबर का एक एक कोमा दो बी कोमा सी, इसका आयतन पूछ रहा है, इसलिए आयत का आयतन पूछ रहा है ना, ये आयतकार बक्से का आयतन, इसलिए आयताकार बक्से का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई ले लीजिए, टू बी गुणे सी अर्थात दू बी ए बी सी आंसर। इसी तरह आप गुणा कर लीजिएगा सबको, आ जाएगा आंसर आसानी से। सॉरी बाबू देखिए आप तीन सी दिया है तो क्या हो जाएगा, क्यों कुछ नहीं, तीन सी है तो तीन गुना के छ ए बी सी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आप लोग बढ़ा दीजिएगा। दस नंबर देखिए, सारणी दिया है, सारणी आपको किताब में देखेंगे बाबू, जरूर देखेंगे। यहाँ पर सारणी दिया है दस नंबर में, यहाँ पर लिखा है प्रथम एक पदी, ठीक है, और इधर लिखा है नीचे फिर द्वितीय एक पदी, और इधर एरो कर लिया है चीन, यहाँ पर लिया है दू एक्स, ठीक है, माइनस पाँच वाई माइनस तीन एक्स स्क्वायर माइनस चार एक्स वाई, फिर एक इसे ले लीजिए सात एक्स स्क्वायर वाई माइनस नौ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और देखिए यहाँ पे देखिए क्या लिया है, इधर द्विपद में दो एक्स माइनस पाँच वाई तीन एक्स स्क्वायर माइनस चार एक्स माइनस चार एक्स वाई, और फिर लिया है क्या सात एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई माइनस नौ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखिए और यहाँ पर लिया है बाबू चार एक्स स्क्वायर, और फिर इसमें यहाँ पर लिया है माइनस पंद्रह एक्स स्क्वायर। देखिए क्या किया है, इससे इससे गुना किया, दो दुना के चार एक्स स्क्वायर, अरे देखिए दो पचे यहाँ पर का, अब देखिए यहाँ पे कैसे किया है, पाँच तीन के पंद्रह किया है ना, इसके लिए तो यहाँ पर हम दो दुना का चार हुआ तो दो पचे का होगा दस एक्स वाई, दो तीन का होगा माइनस छः एक्स स्क्वायर एक्स के पावर तीन, आई दो पचे आठ का होगा माइनस आठ हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, आ दो सत्य का होगा चौदह एक्स के पावर तीन वाई, क्यों एक्स के पावर तीन, दो यहाँ पर एक यहाँ पर तीन हो गया, ठीक है। और फिर दूना अठारह एक्स के पावर तीन वाई, वह ये माइनस है तो हम प्लस है तो यहाँ पर क्या हो गया माइनस, ऐसे ही बना दीजिएगा, सारणी भर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। चलिए आगे सवाल देखिए, स्क्रीनशॉट लेंगे इसका, इसके बाद अब देखिए सवाल नंबर ग्यारह क्या लेंगे बाबू, ग्यारह नंबर कह रहा है ए स्क्वायर गुणे दो ए के पावर बाईस दिया है और गुणे चार ए के पावर छब्बीस दिया है, फिर कह रहा है इसका गुणनफल निकालिए। देखिए कितना आसान है, सब में ए है बाबू तो पावर जोड़ देंगे, चार दुना के आठ आठ ए, और देखिए बाईस दो छब्बीस, बाईस दो चौबीस, चौबीस को छब्बीस को कितना हुआ चौबीस, छब्बीस कितना हुआ बाबू बताएंगे पचास, कितना हुआ पचास, ए के पावर पचास, बस ही हो गया हम लोग का आंसर, बस इतना ही। एक तो आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं बाबू, बनाइएगा। बारह नंबर कह रहे हैं एक्स के पावर तीन सात एक्स के पावर पांच, फिर एक बटा पांच एक्स स्क्वायर और माइनस छ एक्स के पावर चार, और फिर यदि एक्स बराबर कह रहा है एक रखिए, इसका मान ज्ञात कीजिए, जहां जहां बाबू एक्स वहां पे क्या रखे कह रहा है एक रखे कह रहे हैं, तो बाबू चलिए हम रख रहे हैं एक के पावर तीन गुने सात एक के पावर पांच, फिर एक बटा पांच एक के पावर दो माइनस छ एक के पावर चार, ठीक है। आगे देखिए एक के कितना पावर में पांच होते, एक गुने सात गुने एक बटा पांच गुने माइनस का छ,
ठीक है, 6 × 7 = 42 माइनस 42 बटा 5 ही हम लोग का आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह आप बना दीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। तब तक आगे वाला सवाल देखिए, हमने 12 नंबर तक देखा, 13 नंबर देखिए। 13 नंबर -7/3 ए बी सी, इसको साबित करना है बाबू, 3/2 बी सी बराबर 3/2 बी सी इंटू -7/3 ए बी सी। देखेंगे बाबू कैसे, ये बाबू एल एच एस कहते हैं, इसको आर एच एस कहते हैं। देखिए बाबू, इसको दोनों तरफ को बराबर कर रहे हैं। देखिए 7 × 21 3 × 6 ए यहाँ पे ए, बी कई हो जा रहा है, गुणा में पावर जुड़ जाता है तो बी के पावर 2 और सी के पावर 2। ये देखिए ये भी हो जाएगा 3 × 21 / 3 × 6 ए में से गुणा कित बी में बी से बी स्क्वायर और सी में सी से सी स्क्वायर। देखेंगे नीचे, इसलिए एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूव। ठीक है, चलिए बना लीजिएगा, चैप्टर खत्म हो गया हम लोग का। आगे सवाल ना बने तो आप लोग इसको कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे। थैंक यू, वेरी गुड।